आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के कूटनीतिक कोशिशों पर आज एक बड़ी कामयाबी की मुहर लगने की उम्मीद है। भारत में संसद पर हमले से लेकर पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की आतंकी कार्रवाई में मौत के घाट पर उतारने के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का नाम संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधी सूची में शुमार हो सकता है। माना जा रहा है कि मसूद अजहर का नाम यूएन आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर चीन 13 मार्च को लगाए गए अपने तकनीकी होल्ड को वापस ले लेगा। इस बाबत चीन बुधवार सुबह न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध संबंधी 1267 समिति में अपना निर्णय की जानकारी दे देगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक चीन ने इस बात के संकेत दे दिया है कि सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के सामने वो इस मामले पर अपनी रोक को खत्म करने को राजी है। चीन विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने इसका संकेत देते हुए मंगलवार को दिए एक बयान में कहा कि मामले पर 1267 समिति में चल रही बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। चीनी प्रवक्ता का जोर यह कहने पर भी था कि मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने की कोशिशों का चीन समर्थन करता है और इस मामले का समाधान 1267 समिति प्रतिबंध समिति के दायरे में ही होना चाहिए। चीन का तकनीकी रोड़ा हटते ही मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा। इस मुहिम के मौजूदा प्रस्तावक भले ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हो, लेकिन यह भारत के कूटनीतिक प्रयासों की बड़ी जीत होगी। भारत इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा था। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले और उड़ी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने इसी कोशिश की थी, मगर हर बार चीन इसमें तकनीकी पेंच लगाते हुए रोड़ा अटकाता रहा।